वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए एयरफोर्स के लिए आप यह वीडियो देख करके थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं कि सर नया बैच आज से ही शुरू किए आप और आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दिए। जी हाँ, इस बार देखिए पूरी बात सुन लीजिएगा, आपके पास 3 महीने का वक्त है और हमने यह डिसाइड किया है कि 3 महीने लगातार आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, यानी कि लगभग 90 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी जो है कि स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अभी आज की इस वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा, उसके बाद जैसे ही 1-2 दिन हो जाता है मैं पूरा आपको 10 क्वेश्चंस मिनिमम आपको ला करके दूंगा, और उसमें जो है कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और मिक्स क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है तो कोस्ट गार्ड वाले कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, चूँकि इंग्लिश जो है ना वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो लगभग एक ही लेवल का होता है। NDA थोड़ा सा अपर लेवल होता है, लेकिन हम जो इसका लेवल लेकर के चलेंगे वो मैक्सिमम लेवल लेकर के चलेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस फंसें और इसके बाहर कुछ भी ना आए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आपके लिए कि आपके सपने आप ही पूरा करेंगे। डेफिनेटली एक बात आप माइंड में रखिए, वक्त रहते ही आप चीज़ों को अचीव कर लीजिए, वरना बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसके लिए आप हमेशा ये चीज़ सोचना है आपको कि नहीं भाई, जो हमारे सपने हैं वो सिर्फ हम ही पूरा करेंगे और कोई भी, चाहे कोई कितना हो कुछ भी नहीं करेगा। डेफिनेटली एक बात हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा कि अर्जुन के दोस्त जो थे कौन था, श्री कृष्ण जी थे। अब ये सोचिए कि अब उससे मतलब कृष्ण से बड़ा कोई दोस्त नहीं आपका हो सकता है, क्योंकि भाई वो भगवान थे और भगवान से दोस्ती का मतलब समझ रहे हैं। आज के डेट में आपको लगेगा कि अगर भगवान से मेरी दोस्ती हो जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, है ना। अर्जुन के दोस्त कृष्ण थे और कृष्ण सिर्फ सलाह दिए उनको, लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भगवान भी अगर आपके साथ हैं तो सिर्फ वह सलाह दे सकते हैं कि बेटा ये काम करो, इस रास्ते पे जाओ, उससे ज़्यादा कोई भी आपके लिए नहीं करने वाला है, चाहे वो खुद ही भगवान ही क्यों ना हो, इससे ये बात सिद्ध होती है। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, आपके सपने जो है कि आप ही पूरा करेंगे, तो इसके लिए अभी से आप लग जाइए। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ लग जाइए, है ना, भावकाल की बातों पर मत जाइए। आप कहीं से भी पढ़िए, बट चीज़ें आपको बढ़िया मिलनी चाहिए, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये स्पॉटिंग द एरर्स क्वेश्चन है कि अ फ्री प्रेस, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है अ फ्री प्रेस इज़ नॉट एन अ प्रिविलेज बट ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी, नो इरर। बताइए किस पार्ट मिरर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और इसको 4 भाग में यहाँ पर देख रहे हैं बांट दिया गया है, बताना होता है कि किस पार्ट में इरर है, है ना। यहाँ से यहाँ तक इरर होगा तो ए पार्ट, और उसके बाद बी, और फिर यहाँ से यहाँ तक सी, और नहीं इरर रहेगा तो डी। तो उम्मीद है कि जो हमारे डियर स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता चल चुका होगा कि सर जो गलती है ना वो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि यहाँ पर गलती है। और वो क्या गलती है सर, ए नहीं बल्कि एन होगा। जी हाँ, अगर आपने ये इरर सोचा था तो कौन कौन से लोग सोचे थे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद लिखिएगा, हम समझ जाएंगे। चूँकि देखिए ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक क्या है, ये वॉवेल लाइक साउंड कर रहा है ना, तो ये कॉन्सनेंट नहीं है, ये वॉवेल है, वॉवेल लाइक साउंड कर रहा है, तो ए नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा इरर है, लेकिन इतने बड़े सेंटेंस को देखकर ही आप घबरा जाते हैं और लगता है कि यार इसमें तो बहुत बड़ा इरर होगा, तो इरर यहीं पे था, ऑप्शन नंबर बी में ए की जगह एन होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा डियर स्टूडेंट यहाँ पर, वेयर ही टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। अब बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पर इरर है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। बताइए, पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी था, आपको लगा होगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। स्टूडेंट कह रहा है ना कि अगर वह तुमको देखता तो आश्चर्य हो जाता, या फिर अगर वह तुमसे मिलता तो क्या हो जाता, आश्चर्य हो जाता, सरप्राइज्ड हो जाता। यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कह रहा है वुड हैव, यहाँ पर वेयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप वर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, WERE, वर लगा सकते हैं, वर ही, या कि फिर आप वर न लगाना चाहते हो तो यहाँ पर वेयर हटा के आप लिख सकते हैं कि इफ ही वर कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर वह तुमको देखता या कि फिर अगर वह तुमसे मिलता तो क्या हो जाता,
आश्चर्य हो जाता। तो इस ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत इफ़ ही वर होना चाहिए, वेयर नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बता दीजिए किस पार्ट मिरर है। लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाई ईच क्वेश्चन आर इंडिकेट्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। बताइए, बहुत ही सिंपल सा। और इस रूल पे, जिस रूल पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस रूल पे आपके एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए, मैं गारंटी देता हूँ, जो बच्चा अभी से जुड़ गया, 3 महीने लगातार जुड़ा रहेगा, डेफिनेटली 99% चांसेस है उसके सिलेक्शन के लिए। 1% तो आपका लक काम करेगा, और अगर कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए गलती कहाँ पर है सर, देखिए द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है, डेफिनेटली। क्लियर है, द नंबर ऑफ के बाद क्या बताया सर ने, प्लूरल आता है, बट ठीक ना, लेकिन क्या होता है, नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो आर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। नहीं समझ में आया, देखिए द नंबर आपके बाद लिख सकते हैं इस रूल को, द नंबर आपके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है, यानी कि आर नहीं बल्कि इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट्स, नो एरर, टेक योर टाइम प्लीज, बताइए कहाँ पर गलती है। देखिए कई बार होता है कि जब आपके सामने सेंटेंस दिया जाता है तो आप सेंटेंस को देखते ही उसमें गलतियाँ ढूंढने लग जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि उस सेंटेंस में गलती नहीं होती है, है ना। चूँकि ऑप्शन नंबर डी भी तो कह रहा है कि भाई नो इधर भी तो मैं बैठा हूँ, मैं भी तो हो सकता हूँ कभी यार, कभी मुझे भी तू सही करो, तो ये वही वाला सेंटेंस है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, नो इधर है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इट इज़ टाइम या इट्स टाइम, क्या होता है, इट इज़ टाइम बोले या इट्स टाइम के साथ हमेशा वी टू लगता है, यानी कि सिंपल पास्ट। तो लिखा हुआ है इट इज टाइम वी डिड, चूंकि वी टू है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया आर इन अ स्मॉल वन, बताइए, टेक योर टाइम प्लीज, आप अपना समय ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सी सही होगा, देखिए एज की तुलना जो है ना, एज से एज की तुलना होती है, एज आपने पढ़ा होगा रूल, है ना, मैं रूल भी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश के पूरे सिलेबस पढ़ाऊँगा, रागा के लिए आपको मैं रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर चल रहा है सुबह में, सारी चीज़ें मिलने वाली, ठीक है। देखिए एज यहाँ पर आया हुआ ना, तो एज डैश डैश करके एज वाला जो रूल है उसके तहत देखेंगे तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, आर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर की जगह क्या होना चाहिए था, एज होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पर तुलना हो रही है ना, देखिए छोटे से वास्ट एरिया, बड़े एरिया के छोटे एरिया से, स्मॉल एरिया से तुलना हो रही है, एज एज वाला रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट भी है, दिस इज़ एन एक्सीलेंट साइट फॉर ए स्टेडियम, यह जो जगह है वो स्टेडियम के लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट, विच वी वुड लाइक टू अक्वायर, जिसको हमें क्या करना चाहिए, अक्वायर करना चाहिए। तो यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है, क्या हो रहा है, इच्छा जताई जा रही है कि भाई ये जो एरिया है यह बहुत ही अच्छा है, किसके लिए, क्रिकेट स्टेडियम के लिए, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, अक्वायर करना चाहिए। तो देखिए सुड का प्रयोग तब होता है जब सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इच्छा जताई जाती है, तो सुड नहीं बल्कि वुड होगा, है ना, कहते हैं ना वुड यू लाइक, या परमिशन मांगने के लिए भी वुड कहते हैं, वुड का मतलब होता है इच्छा जताने से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड लाइक टू, वी वुड लाइक टू, वी लाइक टू आ गया ये, तो सुड की जगह क्या होना चाहिए, वुड, वी वुड लाइक टू अक्वायर। क्लियर, इच्छा यहाँ पर जताई जा रही है, और जब इच्छा जताई जा की बात होती है, इच्छा की बात होती है तो वुड आता है, और जब सलाह की बात होती है तो सूट आता है, तो वुड यहाँ पर आएगा, ठीक है, वी वुड लाइक टू अक्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आज के दिन का ये पहला क्लास था, एयर फोर्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, साथ ही साथ कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली इसको देखिए, मैं जीके की भी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो तमाम चीज़ें मिलेंगी, चूँकि बहुत दिनों के बाद
जो है कि बैच शुरू हुआ है और चीज़ें कंटिन्यू होने वाली है। आप सभी के थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट इन द सेंस कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं सुन रहे हैं तो थोड़ा लाइक कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी बातें जो हैं वो आप तक पहुँच रही है, हमारी बातें आप तक पहुँच रही है और इस वीडियो से आपको लाभ हो रहा है, इससे मोटिवेशन मिलता है तो हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको और अच्छे से अच्छे चीज़ों को मैं दे पाता हूँ आपको। ठीक है, कोई भी राय हो, आप कुछ भी राय हो या कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे डियर स्टूडेंट आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।